कश्मीर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं लेकिन अगर 1 लाख भी थे तो बड़ी तादाद। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है, यूएई के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया एक साल का बजट कश्मीर को देता है $14 बिलियन का। 5G इंटरनेट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ है, रेल कनेक्टिविटी है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजिशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया, उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज है। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। तो अगर हम टेक्निकली बात करें या लॉजिकल बात करें, तो वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल और यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल में वाजिया फर्क हमें देख रहे हैं, और उनकी पॉलिसीज वहाँ के लोगों को खुश कर रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर के लाल चौक के घंटाघर पर दिए जलाए गए और हनुमान जी संध्या पूजन व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर लाल चौक दियों की रोशनी से जगमगा उठा। इस जश्न में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी भागीदारी देखने को मिली। वहीं इस मौके पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर लाल चौक की तस्वीरें शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने लिखा, लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर पर लोग दीपावली 2024 मनाने के लिए दिए जलाते हुए ऐसा पहली बार हुआ है। एक और यूजर्स ने लिखा, लाल चौक श्रीनगर कभी सोचा था इस तरह दीपक जलते हुए देखोगे। श्रीनगर के लाल चौक की दिवाली देखने वाली थी, यह नए भारत की पहचान है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि वाकई अब कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। यहां लोग त्योहार मनाना पसंद कर रहे हैं, ना कि आतंकवादियों को सपोर्ट करना। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत ने कश्मीर की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे, उसे भी ये चाहिए? सर, ओवर टू यू। भारत के अंदर जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की और उनकी अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है और स्ट्रेंथ है, और उनका जिन लोगों से मुकाबला है, वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है अक्रॉस द डिवाइड पाकिस्तान से जो रिएक्शन की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बड़ा एक तरह का, जिसको आप कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, एक लम्हा फिक्रिया के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पे जाहिर है कि सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, जो लोग समझते हैं सोशल मीडिया आज़ाद है उनको भी ये बड़ी गलतफहमी है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भी उन लोगों के हाथों में है, जो वही लोग हैं जो पहले से, जिनका रवायती मीडिया पे इख्तियार है, और जो कुछ रवायती मीडिया पे आता है उसी को फिर सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्राइवेट सोशल मीडिया है वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है और मुल्क की जो इनविजिबल फोर्सेस का हाथ और उनकी आशीर्वाद जो है वो ज़रूरी होती है। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5th of August जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया तो उस वक्त भी वहीं पड़ा था और इसी तरीके से था, तो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो रूलिंग एलीट थी वो उस वक्त लोगों के पांव पड़ रही थी कि अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया तो इससे पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी
खतरे में पड़ जाएगी और कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। यानी इस तरह लोगों को डरा के चुप कराया गया कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज है कि ये थर थर कांपने वाली बात ही उन्होंने की कि जब लोगों के साथ उन्होंने इस तरह की पर्सनल अपील्स करनी शुरू कर दी कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार करें। तो अब आके तो उनको रिएक्शन वो किस बात पे दे रहे हैं इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर की एज वी स्पीक 3 मिनट पहले तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो पोजीशन ये थी कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुकम्मल तौर पर भारत के कंट्रोल में है। उसको नाम आप कुछ दे लें, कुछ लोग इंडियन ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर कहेंगे, कुछ लोग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वो इलाका जो है वो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस वक्त जो उसकी पोजीशन है उस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को यू कैन ऑलवेज चैलेंज और हज़ारों लाखों लोग चैलेंज करते हैं और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है कि वो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है। जब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है किसी भी तरीके से, कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई लीगल स्टैंडिंग ही आपकी कोई नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई कंपेन ही नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मौकफ ही नहीं है, तो क्या वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में या जो इलाके उनके ज़ेर इंतज़ाम हैं या ज़ेर कंट्रोल हैं वो आपसे पूछ के जाएंगे? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप 500,000 करोड़ की बात कर रही हैं कि खर्च कर दिया एग्रीकल्चर पे, 4,000 करोड़ इतना खर्च कर दिया, इंडस्ट्री पे टूरिज्म खोल दिया, ये उसको कहते हैं गरीबों के सामने पैसे गिनने वाली बात आप कर रही हैं। गरीबों के सामने पैसे गिनना जो है इसको एक बहुत बड़ा गैर अखलाकी किस्म की हरकत समझी जाती है। ये पैसे सारे अगर आप कश्मीर पे अप्लाई कर रहे हैं 500,000 करोड़ है या 600,000 करोड़ है तो इंडियन रुपया भी जाहिर है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी तो फिर ये 1,500-1,800 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये लाइफ चेंजिंग किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कश्मीरी लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो उसको माने ना माने, हम उसको माने ना माने, लेकिन हकीकत जहाँ पे इतना बड़ा पैसा पंप इन होगा तो उसकी जाहिर है एक डेफिनेट आउटपुट तो निकलेगा। उसके साथ जो लोगों के रोज़गार जुड़े हैं और जुड़ेंगे उसकी वजह से जो लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी।